आप जरूर पढ़ा होगा, जो ये क्लासेस आई थिंक कि क्लास एट में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था कंबशन एंड फ्लेम, है ना, कंबशन एंड फ्लेम याद आ रहा है, कंबशन एंड फ्लेम, है ना। और एक और चैप्टर था जिसका नाम था कोल एंड पेट्रोलियम था, ठीक है। तो कंबशन एंड फ्लेम, कोल एंड पेट्रोलियम, आपको पता होगा, आपके सर ने जरूर बताया होगा कि बेसिकली इसमें किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बेसिकली पढ़ा किसके बारे में, फ्यूल के बारे में। फ्यूल का मतलब आप सब जानते हैं, जिसको जलाकर एनर्जी प्राप्त किया जा सके, यानी दोज सब्सटेंस, है ना, दोज सब्सटेंस विच वेन बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, यही पढ़ा था ना आपने, बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लेकिन आप सब लोगों ने इसको, मतलब आपने देखा होगा कि फ्यूल को, जिस सब्सटेंस को जलाकर हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं, लेकिन आपने शायद आपके सर ने बताया और आपने उसे इग्नोर कर दिया था। और वो इग्नोरेंस क्या था कि बेसिकली याद रखना है कि 100% कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द जो फ्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स दे आर व्हाट, हाइड्रोकार्बन, यानी मैक्सिमम जितने भी आपने आज तक नाम सुना होगा, जितने भी फ्यूल्स का नाम सुना होगा, वेदर इट इज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी के अंदर आप सबको पता होगा, शायद जूनियर में आपको जरूर सुनने को मिला होगा कि एलपीजी गैस जो सिलेंडर आप घर में यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज से खाना बनाने के लिए, उसमें भी हम लोग का जो है सो एक खास तरह का हाइड्रोकार्बन भरी जाती है। क्या उसका नाम पता है आप लोग को, क्या हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है, That's called butane. It's not a petroleum. Petroleum is just the mixture. है ना, पेट्रोलियम जूनियर क्लासेस में एट में आपने पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम याद है आपको, पेट्रा जो ओलियम बोलते हैं, पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉ, एंड ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल, यानी पेट्रोलियम का मतलब होता है द ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, दैट्स कॉल्ड पेट्रोलियम, है ना। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो आपके घर में डोमेस्टिक पर्पज जो सिलेंडर इस्तेमाल हुई है खाना बनाने के लिए, उसमें एक खास तरह का गैस होता है जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। और आपको यह भी जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि जिस चीज के कारण उसका लीकेज हमें समझ में आता है, आपको पता है कि ब्यूटेन का कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी ब्यूटेन ऑर्डरलेस है, यानी उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन उसमें एक खास तरह का कंपाउंड डाला जाता है, यानी उस कंपाउंड की वजह से ही अगर गैस थोड़ी भी लीक कर रहा है, थोड़ा भी लीकेज कर रहा है, तो उससे आपको पता चलता है, उस कंपाउंड का नाम आपको पता है। तो याद रखना है कि जो आप एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो सिलेंडर में क्या यूज है, दैट इज ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला वगैरह ये सब यही चीज हम लोग को टेंथ में जाना है, लेकिन थोड़ा जूनियर क्लासेस थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, थोड़ा सा याद कर ले कि हम लोगों ने जूनियर में क्या पढ़ा था, उसकी यूज क्या थी, कहां हम लोग को उससे चूक हो गया, क्या चीज हम नहीं पूछ पाए। तो याद रखना है कि एलपीजी को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन वो उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज है वो हम लोग नहीं पूछ पाए। और हो सकता है कि जूनियर में आपके दिमाग में उतना सवाल नहीं भी आ रहा था, ये नेचुरल बात है, आपने जब सुना नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली आपको जरूर सर ने बताया होगा लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, चाहे उस समय आपकी जरूरत नहीं थी। तो आज के बाद याद रखना कि आपके घर में जो सिलेंडर है उसमें कौन सा गैस भरी होती है, ब्यूटेन, एंड उसका ऑर्डरलेस होता है, ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं होता है बुआ, दिस इज ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन फिर आपको दिमाग में आ रहा है कि जब सर लीकेज होता है तो एक खास तरह का स्मेल आता है जिससे हमको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गैस लीक हो रहा है, नहीं कहीं ना कहीं गैस लीक हो रहा है, इसके कैसे हो सकता है जबकि ब्यूटेन तो ऑर्डरलेस है। तो इसमें एक खास तरह का कंपाउंड डाला जाता है बच्चों, जिसका नाम होता है मिथाइल मर्सेप्टेन, मिथाइल
मर्सेप्टेन याद रखना है, मर्सेप्टेन। ये सब आपका कॉमन नेम है ना, तो ये सब चीज अभी जानना नहीं, लेकिन थोड़ा सा जीके के लिए है ना, किसी ऐसे एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको अगर पूछता है कि एलपीजी गैस में जो लीकेज होती है वो हमें कैसे आइडेंटिफाइड होता है, तो एक खास खुशबूदार चीज उसमें डाली जाती है, एक कंपाउंड डाला जाता है जिसका नाम है मिथाइल मर्सेप्टेन, जिसकी वजह से लीकेज ऑफ गैस आइडेंटिफाई हो पाता है। तो नेचुरली बात, हम लोग सिंपली बात अपने टॉपिक पे आ जाए, ये सारी बात बताने के पीछे एक ही मकसद था।